सो हेलो गाइस, दिस इज योर होस्ट साइनिंग इन 19x डेडलाइन। तो आज इस वीडियो के अंदर गाइस, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का न्यू फॉरनर एंड फेडर को गैलेगो से रिलेटेड फाइनल अपडेट्स में आप लोगों को देने वाला हूँ। साथ में AIFF का न्यू प्रेसिडेंट, न्यू वाइस प्रेसिडेंट एंड एग्जीक्यूटिव कमिटी के बारे में भी हम इसी वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर AIFF प्रेसिडेंटल इलेक्शन के बारे में ही बात किया जाए, जो येस्टरडे 2nd September को कंडक्ट करवाया गया है और उसका रिजल्ट भी उसी दिन के अंदर आया, और यहाँ पर अब AIFF का न्यू प्रेसिडेंट बन चुका है गाइस फॉरमर मोहन बगान ईस्ट बंगाल इंडियन गोलकीपर कल्याण चौबे। साथ में वाइस प्रेसिडेंट एन ए हरीश, AIFF न्यू ट्रेजर कीपर अजय और 14th ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का लिस्ट में शामिल है गाइस मिस्टर अनिल कुमार, अरिफ अली, अभिजीत पॉल, दीपक शर्मा, मिस्टर लैंगलिंग नोवा हमर, मलोजी राजे छत्रपति, मेनला एथेनपा, मोहन लाल, नेबू शेखो से, जीपी पलगुना, सैयद हुसैन अली, सैयद इम्तियाज हुसैन, वालंका नताशा आलिमाऊ और विजय वाली। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे ट्रांसफर अपडेट्स के तरफ और बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बारे में। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का 32 इयर्स ओल्ड उरुग्वियन टैलिस्मैन, प्लेमेकर एंड मोस्ट फैन फेवरेट फेडरिको गैलेगो, जो 2018 से लेकर 2022 तक 4 कंसेक्यूटिव सीजन के साथ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का लॉन्गेस्ट सर्विंग फॉरनर है। ISL के अंदर 47 अपीयरेंस में 12 असिस्ट के साथ 9 गोल भी इन्होंने हाईलैंडर्स के लिए स्कोर किया है। उन्होंने गाइस यहां पर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ ऑफिशियली डिपार्चर हो चुका है। तो फेडरिको गैलेगो, जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ कंटिन्यू करना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का मैनेजमेंट के साथ बात भी किया था, लेकिन गाइस जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का मैनेजमेंट है, उन्होंने बताया है कि गैलेगो उनका प्लान में नहीं है। और ये सारी ही बातें गाइस गैलेगो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी पोस्ट करके बताया है। तो फेडरिको गैलेगो, जो हाईलैंडर्स के लिए एक बहुत ही क्रूशियल प्लेयर था, 2 बार इन्होंने अपने टीम को प्लेऑफ्स तक पहुंचाने के लिए एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले किया है, वो गाइस यहां पर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ ऑफिशियली पार्ट वेज हो चुका है। तो फेडरिको गैलेगो गाइस यहां पर अब सीजन 9 के अंदर हमें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का जर्सी में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा अगर गाइस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से रिलेटेड एक और फॉरेन साइनिंग के बारे में बात किया जाए, तो अपकमिंग सीजन के लिए गाइस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने यहां पर कंप्लीटली साइनिंग कर दिया है एक 36 इयर्स ओल्ड इंग्लिश स्ट्राइकर को, जिसका नाम है मैट डर्बीशायर। और इन्होंने अपने क्लब करियर के अंदर गाइस इंग्लैंड में ब्लैकपूल फुटबॉल क्लब, बर्मिंघम, ब्लैकबर्न रोवर्स, प्लिमाउथ एंजल एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट जैसे कई बड़े बड़े क्लबों की तरफ से खेला है। इंग्लिश चैंपियनशिप के अंदर 136 मैचों में इनका 25 गोल है। प्रीमियर लीग के अंदर भी 76 अपीयरेंस में इनका मैन सिटी, मैन यूनाइटेड, फुलहैम एंड न्यूकैसल जैसे क्लबों के अगेंस्ट 10 गोल है। EFL कप के अंदर भी 19 मैचों में 10 गोल। इसके अलावा लीग वन एंड FA कप के अंदर भी इन्होंने खेला है। ओलंपियाकोस जैसे क्लबों की तरफ से इन्होंने ग्रीस सुपर लीग के अंदर भी 26 मैचेस खेला है, जहां पर इनका 11 गोल भी था। ओलंपियाकोस के लिए इन्होंने UEFA चैंपियंस लीग के अंदर भी 2 मैचेस खेल चुका है। और सबसे ज्यादा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस इनका साइप्रस टॉप डिवीजन लीग के अंदर था, जहां पर ओमोनिया निकोसिया एंड AEK लर्नाका जैसे क्लबों के साथ 134 मैचों में 11 असिस्ट के साथ 68 गोल स्कोर किया है, जिनमें से 11 गोल तो चैंपियनशिप राउंड के अंदर ही आया था। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ए लीग के अंदर भी इन्होंने मकारथुर एफसी के लिए खेला है, जहां पर 27 मैचों में इन्होंने 14 गोल स्कोर किया है। तो मैट डर्बीशायर एक बहुत ही अच्छा स्कोरिंग रेट के साथ काफी एक्सपीरियंस भी लेकर आते हैं। 2 टाइम इन्होंने साइप्रस टॉप डिवीजन लीग के अंदर गोल्डन बूट जीता है। इंटरनेशनल यूथ लेवल पर भी इंग्लैंड अंडर 21 टीम को रिप्रेजेंट कर चुका है। और इनको गाइस यहां पर अब अपकमिंग हीरो इंडियन सुपर लीग सीजन के लिए 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट में कंप्लीटली साइनिंग कर लिया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। नेक्स्ट, अगर ATK मोहन बगान के बारे में बात किया जाए गाइस, तो ATK मोहन बगान का ऑजी अटैकिंग मिडफील्डर दिमित्रियोस पेट्राटोस, उन्होंने येस्टरडे 2nd September को ही ATK मोहन बगान के साथ ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर लिया है। और आखिर में गाइस गुरसिमरत सिंह गिल, जिनके बारे में कल मैंने आप लोगों को बताया था कि वो मुंबई सिटी एफसी में साइनिंग कर चुका है, और यहां पर अभी साइनिंग का ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी मुंबई सिटी एफसी की तरफ से हो चुका है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि इन फ्यूचर इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रेगुलरली आपको हमारे इस चैनल पर जानने के लिए मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।